हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में होने वाला सुपर 12 का 19वां मैच के बारे में। तो ये जो मैच है 4:30 बजे कल शाम को खेला जाएंगे। अगर यहाँ पर दोनों टीम की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम ऑस्ट्रेलिया टीम की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया लास्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन से हार गया था, और वहीं यहाँ पर हम श्रीलंका टीम की बात करें, आयरलैंड को 9 विकेट से हराया। तो यहाँ पर एक टीम जीत के आ रहे और एक टीम हार के आ रहे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया टीम है भाई वो छोटा मोटा टीम नहीं है, क्योंकि लास्ट सीजन यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन है। तो यहाँ पर आपको मैं देख सकता हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 5 टीम हम लोग बना के रख चुके हैं भाई। यहाँ पर पूरी 6 ग्रैंड लीग टीम दिया जाएगा, तो 5 टीम तो हम बना के रख चुके हैं, लेकिन 6ठा टीम हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन टीम को बनाने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। एक बार जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। 5 टीम्स यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ, और यहाँ पर अभी हम 6ठा टीम हम लोग बनाने वाले हैं, 6th ग्रैंड लीग टीम। लेकिन ये टीम बनाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर 6th टीम बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहला 5 टीम भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहला हम लोग टीम बनाना है। तो यहाँ पर पहले पिच रिपोर्ट देख लीजिए, ये जो पिच है बैलेंसड रहने वाले, और यहाँ पर थोड़ा फेस बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर 140 से 160 रन तक रह सकते हैं यहाँ पर। और वेन्यू की बात करें, पर्थ स्टेडियम, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो मैच है अभी भी स्टार्ट होने में लगभग 24 घंटा बचे हैं। तो भाई यहाँ पर अब देख लीजिए हम लोग ये जो टीम बनाने वाले हैं, पहला बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पर आपको 3 विकेट कीपर नजर आ रहे हैं, दिनेश चंडीमाल तो नहीं खेलेंगे। यहाँ पर कुशल मेंडिस और मैच्यू वेड में, इन दोनों में आपको किसको लेना चाहिए? तो भाई आपको कुशल मेंडिस ओपनिंग पे करते हैं। मैच्यू वेड जो प्लेयर है अच्छे प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो रोल है ऑस्ट्रेलिया टीम में फिलहाल लोअर मिडिल ऑर्डर पे खेलते हैं, और इनकी जो रोल है फिनिशिंग रोल है। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा मौका मिलने की चांसेस नहीं है, तो आप यहाँ पर कुशल मेंडिस को लेके जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन पे आपको किसको पिक करना चाहिए आपको मैं बता दूंगा। अगर कुशल मेंडिस की बात करें, यहाँ पर इनकी जो फॉर्म है अभी फिलहाल बहुत अच्छा है भाई, तो आप इनको टीम पर जरूर रखिएगा। अगर इस सीज़न में बात किया जाए तो 4 मैच खेलें, क्योंकि क्वालिफायर भी श्रीलंका खेलें, वहाँ पर ये पूरे कुल मिला के यहाँ पर 4 मैच में 171 रन बना चुके हैं, तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। और लास्ट मैच की बात करें 68 रन बनाए, तो यहाँ पर कुशल मेंडिस का रोल आपको समझ में आता होगा। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको बैट्समैन में किसको लेना चाहिए, तो मैक्सवेल ऑलराउंडर पे खेलते हैं, लेकिन डेविड वार्नर की बात करें, आपको ये जो प्लेयर है दोस्तों लास्ट मैच में तो फ्लॉप रहे, ज़्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन अभी भी इनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ आपको बावनिका राजपक्षा और प्रथम निशंका में, प्रथम निशंका की बात करें ओपनिंग पे खेलते हैं, बावनिका राजपक्षा आपको लोअर फिनिशिंग लॉयर मिडिल ऑर्डर पे खेलेंगे, और इनकी जो रोल रहेगा फिनिशिंग रोल रहेगा, इसलिए मैं प्रथम निशंका के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बैट्समैन पे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को पिक करना, तो यहाँ पर आपको मैं मिचेल मार्श को पिक करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि लास्ट मैच में 16 रन बनाए, लेकिन लास्ट सीजन में देखा जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अगर T20 वर्ल्ड कप जीते तो इनका सबसे मेन रीजन मिचेल मार्श पे आते हैं, तो आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा भाई यहाँ पर। उसके बाद आपको बावनिका राजपक्षा, आयरन फिंच और यहाँ पर चरित असलंगा, इनमें से कुछ प्लेयर को पिक करना है, तो भाई यहाँ पर आपको मैं पिक करने के लिए आयरन फिंच के साथ जाऊँगा। क्योंकि मैं आयरन फिंच के साथ क्यों जा रहा हूँ आपको मैं बता देता हूँ। पहला बात है, इस टीम की जो बॉलर्स हैं इन स्विंग आउट स्विंग इतना ज़्यादा खास नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आयरन फिंच ये जो मैच में कमाल कर सकते हैं, तो आयरन फिंच को आप टीम में जरूर रखिएगा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मैं कुछ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप उनको जरूर टीम पे रखिएगा। पहला जो प्लेयर है भाई यहाँ पर आपको मैं वनिंदु हसरंगा को लेने के लिए बोलूँगा, जो लास्ट मैच खेले वहाँ पर 2 विकेट लिए थे, 6.25 इनके इकोनॉमी रेट रही, और 4 मैच में 9 विकेट लें, तो यहाँ पर वनिंदु हसरंगा को आप टीम में जरूर रखिएगा। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को भी आप टीम में रखिए, लास्ट मैच में 28 रन बनाए, 140 के स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी, तो इनका भी रोल 100% अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं मार्कस टोनिस को लेने के लिए आपको सलाह दूंगा, क्योंकि लास्ट मैच में भले ये फ्लॉप रहे, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा भाई यहाँ पर। और गेंदबाजी सेक्शन में बात किया जाए तो मिचेल स्टार्क, आपको इनका फेस बॉलिंग तो अच्छा जा रहा है लेकिन विकेट्स नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस इनके पास है, आप चाहे तो ले सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो तो मिचेल स्टार को जरूर रखिएगा, 56 T20 में 70 विकेट्स इनके नाम पे, आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। जॉस हेजलवुड यहाँ पर इकोनॉमी वाइज बॉलर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए जरूर टीम पे रखिएगा। उसके बाद महेश दीक्षाना, यहाँ पर 100% अच्छा रोल रहेगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी कमाल की गेंदबाजी की है, और यहाँ पर इनकी जो फॉर्म है फिलहाल बहुत अच्छा है, 2 विकेट लिए थे लास्ट मैच में, 4.75 इनके इकोनॉमी रेट रहा। तो भाई यहाँ पर मेरे टीम तो बन गया, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन में किसको लेना चाहिए? तो भाई मैं कैप्टन के लिए आपको मिचेल मार्श को सलाह दूंगा, और वाइस कैप्टन के लिए बात किया जाए तो आप यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को ले सकते हो, नहीं तो डेविड वार्नर को आप पिक कर लीजिएगा। मैं यहां पर आपको सलाह दूंगा
ग्लेन मैक्सवेल के, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादातर लोग यहाँ पर वनेंदु हसरंगा को बना रहे हैं, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को भी वाइस कैप्टन बना रहे हैं, और ज़्यादातर बना रहे हैं दोस्तों डेविड वार्नर को, क्योंकि इस फॉर्मेट T20 फॉर्मेट के लिए और ये चैंपियन प्लेयर है, पक्का कम बैक करेगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये प्लेयर को आप टीम में जरूर रखिएगा। एक बार टीम अच्छे से देख लीजिए, एक विकेट कीपर, चार बैट्समैन, तीन ऑलराउंडर, तीन गेंदबाज है, तो भाई आप ये टीम देख सकते हैं। इस टीम को पहले आप सेव करके रख लीजिएगा, मैं भी सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ही हमारी छठा ग्रैंड लीग टीम बन गए, तो आप पहला टीम एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कुशल मेंडिस को विकेट कीपिंग पे लिया था, उसके बाद यहाँ पर पांच बैट्समैन डेविड वार्नर, आयरन फिन, मिचेल मार्श, धनंजय दिसिल्वा, चरित अश्लंका, तो ऑलराउंडर्स के साथ गया था ग्लेन मैक्सवेल, चरित वनेंदु हसरंगा। उसके बाद अगर गेंदबाजी सेक्शन में बात किया जाए तो यहाँ पर जॉस साजिलवुड, आडम जंपर, महेश दीक्षण है, और इस मैच में अगर बात किया जाए तो आयरन फिंच और मैं वनेंदु हसरंगा को कैप्टन वाइस कैप्टन पे लिया। तो ये मेरा पहला ग्रैंड लीग टीम है। अगर दूसरा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको नजर आता होगा भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो कुशल मेंडिस विकेट कीपिंग पे, उसके बाद यहाँ पर चार बैट्समैन यहाँ पर मैंने लिया, वार्नर, फिंच, मिचेल मार्श और बानकर राजपक्षा, और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में दसुन सन का। यहाँ पर भले इनका फॉर्म अभी बहुत खराब चल रहा है, लेकिन ये प्लेयर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, श्रीलंका टीम के कप्तान भी है, और मार्कस टोनी और वनेंदु हसरंगा को मैंने पिक किया। उसके बाद यहाँ पर वाइस कैप्टन पे आपको कुशल मेंडिस नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में मैं थ्री ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को लिया, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस है। और यहाँ पर अगर डोमिनेटेड टीम चलेगा भाई, आपको देख लीजिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सात प्लेयर है, श्रीलंका के चार प्लेयर, अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन रहेगी, अगर जल्दी अर्ली विकेट्स ले लेंगे, तो यहाँ पर ये तीन बॉलर कमाल करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये तीनों ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैंने पिक किया। और यहाँ पर आपको दसुन सनका की जगह आप एक एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलियन बॉलर को भी आप पिक कर, सॉरी श्रीलंका बॉलर को पिक कर सकते हो, बिनोरा फर्नांडो को आप ले लीजिए, नहीं तो महेश दीक्षणा को भी आप यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में ले सकते हो, दसुन सनका पर अवॉइड कर दीजिएगा। तो भाई यहाँ पर ये दूसरा ग्रैंड लीग टीम है। तीसरा ग्रैंड लीग टीम आप देख लीजिएगा, विकेट कीपिंग में कुशल मेंडिस, तीन बैट्समैन वार्नर, पिंच, बॉनिका राजपक्षा, और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ज़्यादातर ग्लेन मैक्सवेल और वनेंदु हसरंगा नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में आप देख सकते हो जॉस साजिलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जंपर, महेश दीक्षणा को यहाँ पर मैंने पिक किया। तो ये मेरा तीसरा ग्रैंड लीग टीम है। अगर चौथा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच्यू वेट, कुशल मेंडिस है, और यहाँ पर बैट्समैन पर आपको डेविड वार्नर, पिंच, बॉनिका राजपक्षा, प्रथम निशंक है, ऑलराउंडर सेक्शन में मैक्सवेल और वनेंदु हसरंगा, और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क, बिनोरा फर्नांडो, और यहाँ पर आपको महेश दीक्षणा। तो यहाँ पर अगर डोमिनेशन की बात करें, श्रीलंका टीम को ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा पिकिंग चाहते हो, एक्स्ट्रा प्लेयर को आप चाहते हो, तो भाई यहाँ पर आप एक्स्ट्रा श्रीलंका प्लेयर को ले लीजिएगा, सेवेंथ प्लेयर, क्योंकि ये गारंटी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकते हैं, तो श्रीलंका की भी एक डोमिनेशन टीम बनाना, तो एक्स्ट्रा प्लेयर आप यहाँ पर पिक कर सकते हो, धनंजय दे सिल्वा को आप ले सकते हो टीम में, नहीं तो बिनोरा फर्नांडो को ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, महेश दीक्षण, लहिरू कुमारा को भी आप अपने टीम में बॉलिंग के रूप में आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो भाई ये हो गया हमारी चौथा ग्रैंड लीग टीम, और ये पांचवा ग्रैंड लीग टीम आप देख लीजिए, क्योंकि छठा टीम आपके सामने मैंने लाइव बनाया, तब देख लीजिए मैच्यू वेड यहाँ पर विकेट कीपिंग पे, क्योंकि कुशल मेंडिस को ज़्यादातर हम सारे टीम में ले हैं, लेकिन यहाँ पर मैच्यू वेड के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भले ये लोअर मिडिल ऑर्डर पर खेले, लेकिन अगर ये बैटिंग अगर थोड़ा अर्ली मिलते हैं, नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलिया के जल्दी अर्ली विकेट्स गिर जाएंगे, कुशल मेंडिस अगर प्लॉप रहेंगे, अगर मैच्यू वेड खेल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे जो फिफ्थ ग्रैंड लीग टीम है एकदम 100% चलेगी। यहाँ पर तीन बैट्समैन है, आयरन फिंच, बॉनकर राजपक्षा, टीम डेविड दोस्तों यहाँ पर बिग बॉस लीग में एक खतरनाक प्लेयर है, बड़े बड़े छक्के भी लगा सकते हैं, तो टीम डेविड को जरूर टीम पे रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, दसुन सनका, वनेंदु हसरंगा, और गेंदबाजी में यहाँ पर जॉस साजिलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और महेश दीक्षणा है। उसके बाद यहाँ पर अगर चेंजिंग करना है तो आप यहाँ पर मिचेल स्टार की जगह आप एडम जंपा को आप टीम में ले सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन पे वनेंदु हसरंगा, और यहाँ पर मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर आयरन फिंच एक छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, ये कभी भी कमाल कर सकते हैं, तो आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा, ये मैच को जिता सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे के छः ग्रैंड लीग टीम बना लिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाले, और यहाँ पर ये छः के छः ग्रैंड लीग टीम मिलेंगे। अगर आपको मैं छः ग्रैंड लीग टीम नहीं दे पाता हूँ, अगर मेरे टाइम सेट नहीं होता, कुछ नहीं, अगर कोई रीजन रहेगा, लेकिन एक टीम तो यहां पर आपको दूंगा, एक टीम, वो टीम के साथ आप हेड टू हेड खेल सकते हो, थ्री स्पॉट्स खेल सकते हो, ग्रैंड लीग खेल सकते हो, मिनी ग्रैंड लीग खेल सकते हो। तो यहां पर आपको सिक्स ग्रैंड लीग टीम मैंने दे दिया। आपको यहां पर नेक्स्ट मैच जो है आपको प्रो कबड्डी का मैचेस होगा कल दोस्तों, पूरे तीन मैचेस खेला जाएंगे, तीनों के तीनों मैचेस आपको जिताऊंगा, और यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग टीम की प्रेडिक्शन हमेशा के जब मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल को मस्ट एंड शो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और ये छः ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ भाई यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे हेड टू हेड का भी टीम मिलने वाला है, और वही वही टीम आपको विनिंग पे लेके भी
जा सकता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल से मस्ट इनशूट जुड़ना है। उसके बाद इंग्लैंड की मैचेस हो गए दोस्तों यहाँ पर, उसका भी ग्रैंड लीग टीम आपको इसी प्रकार में देने वाला हूँ। तो यहीं पर मैं वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।